हेलो फ्रेंड, तो स्वागत है आपका आरएसएस किचन में। आज हम बनाने वाले हैं ओल टिक्की, जिसे सूरन जिमीकंद भी कहते हैं। ये आप लोगों के लिए नया स्नैक्स है और ये बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में तैयार हो जाता है। ये बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी बनता है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, इसे हम बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने 200 ग्राम बॉयल ऑयल लिया है, इसे अच्छे से उबाल लिया है एक सीटी लगा करके। इसे हम एक मिक्सिंग बाउल में डालते हैं। मसाला डालेंगे नमक, जीरा पाउडर, चाट मसाला, लाल मिर्च पाउडर, हरी मिर्च, अदरक लहसुन पेस्ट दरदरा, काली मिर्च। सभी को मिक्स कर लेंगे, मैश कर लेंगे अच्छे से। इसे प्रॉपर मिक्स करना है और साथ ही राइस फ्लोर डालेंगे, करीब 2 बड़ा चम्मच डालना है। इसे बाइंडिंग करने के लिए हम डाल रहे हैं और क्रिस्पी करने के लिए, और मसाला भी टाइट बनेगा। तो हमारा मसाला तैयार हो चुका है। हाथ में पानी लगा करके इसका हम लोई बना लेते हैं, इस प्रकार से गोल कर लेंगे इसको, और इसे हम एक ट्रायंगल शेप में बनाएंगे। आप चाहे तो इसे राउंड शेप बना सकते हैं, लंबा भी बना सकते हैं, मैं यहाँ ट्रायंगल शेप में बना रहा हूँ। तो कुछ इस प्रकार से बनाना है ट्रायंगल शेप, देख सकते हैं आप। तो सभी को इस प्रकार से ट्रायंगल शेप में बनाएंगे हम, आप गोल भी बना सकते हैं या तो आप टिक्की के स्टाइल में भी बना सकते हैं गोलाकार। इसे हम सेलो फ्राई करेंगे, डीप फ्राई नहीं करेंगे इसे हम। एक नॉनस्टिक पैन में तेल लेंगे और इसे डीप कर देंगे। इसे करीब 8 से 10 मिनट पकाना है मीडियम आंच में, धीमी आंच में। इसे पलट देंगे तो देख सकते हैं बहुत ही अच्छा कलर आ चुका है। इसी कलर में इसे हम निकालेंगे। इसे फिर से हम 4 से 5 मिनट पका लेंगे। तो हमारा ओल टिक्की तैयार हो चुका है। इसी कलर में इसे हम निकालेंगे, एक प्लेट में इसे सजाएंगे। इसे आप चटनी सॉस के साथ खा सकते हैं। बहुत ही क्रिस्पी और अमी बना है ये। तो आप भी इसे ट्राई करें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड, जल्द मिलेंगे नए वीडियो में नए रेसिपी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग।